हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड और फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी अल्टीमेट एंड माय ब्यूटीफुल कलेक्शन ज्वेलरी। बिकॉज मुझे जो है वो काफी सिंपल कपड़े पहनना पसंद है, चाहे फिर वो वेस्टर्न आउटफिट हो या फिर इंडियन कुर्तीज और व्हाटएवर, बट आई एक्सेसराइज इट विद दिस ज्वेलरीज एंड इट लाइक मेरे जो कपड़े हैं, मेरा जो लुक है वो एक लेवल अप चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस कलेक्शन। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने सिंपल सिंपल क्लोथिंग को एक्सेसराइज कर सकते हैं एंड यू कैन लुक वे मोर ब्यूटिफुल एंड यू कैन रॉक द पार्टी और एनी फंक्शन। ये जो है मेरा खजाना है। तो आई होप कि आप सबको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली है आज के ब्लॉग में। आप सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ मेरी ज्वेलरी को शेयर करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वेस्टर्न आउटफिट पे आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो। तो फॉर ब्लैक और व्हाइट कलर टॉप यू कैन एक्सरसाइज हेयर इट कम। ये है मेरे, ये मैंने गुलाबा से लिया था और ये मैं प्लेन टॉप है, ये ब्लैक कलर का, बट इस पर गुड। हियर आई वुड लाइक टू गिव यू टिप कि आप प्रिंटेड के साथ आप ये ज्वेलरी मत पहनना। मैंने पहनकर देखा, इट डजेंट लुक सो गुड। तो ये प्लेन टॉप के साथ अच्छा जाता है ये। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरीके की ज्वेलरी इफ यू कम अक्रॉस सो यू जस्ट परचेज इट एंड कीप। ये जो है ये वाइट पर भी जाता है एंड ब्लैक पर भी अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट अप इज, तो ये भी देख सकते हैं आप, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, isn't it? तो आप सोच रहे होगे कि तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे ब्लैक पर एंड ये व्हाइट पर भी अच्छा लगता है। तो लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस और एक बहुत ही शिमरी लुक है। तो ये आई वुड सजेस्ट कि ये इवनिंग लुक के लिए अच्छा रहेगा। दिस इज एन ऑक्सीडाइज्ड नेक पीस। तो ये भी देख लीजिए कैसा अच्छा लग रहा है। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक सलेक्शन है, ये भी आई हैव परचेज्ड इट फ्रॉम कुलावा। ये काफ़ी पुराना है, मैंने सबसे पहले नेक पीस यही लिया था बट आज तक मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है बिकॉज इट लुक सो एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। तो ऐसे इसका कुछ लुक आता है और मुझे काफ़ी पसंद है, मैंने इसे काफ़ी संभाल के रखा है, वन ऑफ माई फेवरेट। तो एंड अब आ जाते हैं, ये छोटे से इयर रिंग है, आप पहन सकते हो वेस्टर्न आउटफिट पे एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो ये भी आप पहन सकते हो, काफी अच्छा लगेगा। एंड नाउ मैं आपको बताती हूँ अपना इंडियन वेयर कलेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का जो कलेक्शन है यहाँ पर काफी ज्यादा है। और तो ये है मेरी मोस्ट फेवरेट एंड ब्यूटिफुल रेडी टू गो इयररिंग जो कि ऑक्सीडाइज है और इस पर आप देख सकते हो कि कैसे ये मल्टी कलर है यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे पहनने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, जस्ट सी द लुक। बस ऐसे पहन लिया एंड जस्ट इट लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू कैन वेयर दिस ऑन कुर्ती, इंडियन कुर्ती, और बहुत अच्छा लगेगा ये। क्या नेक्स्ट है देखना चाहेंगे आप? सो हियर इट इज, दिस इज द सेकंड मोस्ट फेवरेट इयररिंग कलेक्शन ऑफ माइन। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। अगेन यू नो इट्स लाइट वेट है, ये हैवी भी नहीं है एंड यू कैन पहन सकते हो कुर्ती पर। और आप जब ये पहनोगे कुर्ती पर आई एम श्योर कि आप सबको मिलने वाली है बहुत सारी तारीफें, जैसे मुझे भी मिलती है। एंड नेक्स्ट इज दिस, इसमें से देखिए आवाज भी आ रही है। ये मैंने परचेज किया था वृंदावन से, ये बहुत ही लाइट वेट है अगेन, बट ये बहुत ही काफी सुंदर लगते हैं। देखिए बहुत सुंदर लगते हैं ये इयररिंग, और इस पर जो है वो पीकॉक बना हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज अगेन वन मोर ऑक्सीडाइज इयररिंग ऑफ माइन विच इज वेरी लाइट वेट, लाइट है वेट में एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो अब ऑक्सीडाइज का खजाना हुआ है खत्म और अब आ रहा है, अब एंटर कर रहे हैं मेरी ब्यूटीफुल सी गोल्डन। तो ये देखिए, तो ये
ये आप कोई भी इंडियन ड्रेस से पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो मोती जो है नीचे भी बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट है ये ज्वेलरी, तो ये इस पर ना छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। ये पार्टी वेयर हो सकता है आपका, अगर आपकी गोल्डन डिज़ाइन है उसमें गोल्डन कलर है तो ये दिस कैन बी योर पार्टी वेयर। सो अगेन दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो इसे मैं कोई हैवी ड्रेस होता है उस पर मैं पहनती हुई, बहुत अच्छा लगता है। तो हियर कम्स वन मोर ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ माइन, माई इयर रिंग्स। तो ये है ब्यूटीफुल से गोल्डन इयर रिंग है, ये ब्यूटीफुल से गोल्डन इयर रिंग है और इस पर है छोटी छोटी से मोती लगे हुए यहाँ पर, एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। डायमंड भी है इसमें, तो ये आप हैवी आउटफिट पर वेयर कर सकते हो। तो मैं आपको पहन के बताती हूँ कि इसका लुक कैसे लगता है। If you have a multicolored dress, then too this kind of jewelry will enhance your look. क्योंकि golden जो है वो कोई भी color तो चल जाता है, अच्छा लगता है। तो आप देखिए ये golden always work, and even oxidized jewelry है वो सब पर अच्छी लगती है, and even golden color also look good on everyone. Indo Western पर भी अच्छा लगेगा, इस पर green color का style है यहाँ पर। ये देखिए ये कुछ ऐसे लगेगा, तो और अच्छा लग रहा है इसका लुक। ये भी मेरी कलेक्शन है। तो मैंने आप सबको ये सब ज्वेलरी बताई है, नहीं अभी और थोड़ी बाकी है देखना, तो स्टे ट्यून्ड। बट आई वांटेड टू शेयर कि मुझे जो है यूनिक, आप जैसे देख ही रहे होंगे कि मुझे यूनिक टाइप ऑफ ज्वेलरीज जो है या यूनिक क्लोथिंग्स है या इयर रिंग्स है वो कलेक्ट करना पसंद है मुझे। सेम जो सब पहन रहे वही मुझे पहनना मुझे नहीं पसंद आता, मुझे कुछ यूनिक पसंद आता है। दिस इज़ वन मोर ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ माई इयर रिंग। तो ये आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हो, मुझे लगते हैं छोटे से क्यूट से इयर रिंग है। तो अगर मुझे लाइक बड़े नहीं पहनने इयर रिंग इंडियन वेयर पर या कुर्ती पे बड़े नहीं पहनने मुझे, लाइक यू नो बिजी डे होता है या जन्माष्टमी ऐसे कुछ होता है जिसमें हमें किचन में भोग एंड ऑल सब बनाना होता है, तो दिस इज़ स्मॉल कलेक्शन ऑफ। सो ये जो इयर रिंग है मुझे काफ़ी पसंद है, छोटे से है और बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट से है। ये एक छोटी सी यू नो स्टड है जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, क्यूट से पिंक कलर के। ये भी मैं पहन लेती हूँ वेस्टर्न आउटफिट पे। तो लेट मी टेक अ ब्रेथ, बहुत सारी ज्वेलरी बता दी मैंने आप सबको, आप भी बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप? तो अब इयर रिंग्स का जो है, इयर रिंग्स एंड नेकलेस का कलेक्शन ओवर हो चुका है। अब मैं आप सबके साथ, तो आप सबको बताती हूँ मैं अब अपनी कुछ रिंग्स है, सिलेक्टेड रिंग्स है। तो ये कुछ ऐसा है, आप देखिए, तो ये कुछ इस तरीके की है रिंग, काफ़ी अच्छी लग रही है ये। ये वाइट कलर की रिंग है, ये भी आप पहन सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये मैंने कुर्तीज के लिया कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनते हैं हम तो फिर उन्हें अच्छी लगती है। तो ये कुछ इस तरीके की है, काफ़ी बड़ी है बट अच्छी लगती है, लुक काफ़ी अच्छा था। सो दिस इज माय लुक, तो काफ़ी रस्टिक लुक लगता है इससे। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको कैसे लगा ये, अभी निकल ही नहीं रही, लगता है मैं लॉकडाउन में हेल्दी हो चुकी हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा पिटारा, छोटा सा खजाना ऑफ इयररिंग्स। एंड हाँ ये रह गया, ये भी है कुछ, ये भी है, ये मैं नहीं पहनती हार्डली इसको, मैं पहनती हूँ बट हाँ मैंने, मुझे पसंद आया तो मैंने परचेज कर लिया। तो ये जो पिटारा था मेरा वो अब ख़त्म हो गया, मैंने आप सबसे शेयर किया, मुझे बहुत मज़ा आया, काफ़ी दिन बाद मैंने ट्राई किया ये। एंड आई होप दैट यू ऑल ऑल्सो लाइक्ड इट एंड यू हैव गॉट सम टिप्स एज वेल हाउ टू एक्सरसाइज योर सिंपल क्लोथिंग्स वेदर इट इज़ वेस्टर्न और इंडियन। तो मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा जो कि है माई ज्वेलरी कलेक्शन। तो प्लीज़ डू लाइक, share and comment to my YouTube channel which is Manisha Acharya Vlog, and yes you can also follow me on my official Instagram account which is Manisha Acharya Vlog. So I hope aapko ye vlog pasand aaya hoga and do subscribe my channel, follow me on my Instagram account and milte hain next vlog. Bye.